दबा लिया, मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया आंटी, आपको आया? घंटा मजा आएगा। सर में दर्द हो गया। सर में दर्द हो गया? लेकिन मैंने तो कहीं सुना था कि दबाने पर आंटियों को बहुत मजा आता है। अच्छा तो आकर टेटवा दबाती हूँ मैं। अब रहने दो आंटी, अब दबाने दुबाने के चक्कर में कहीं मेरे अखरोट टूट गए तो मेरे मम्मी पापा का दादा दादी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। अबे क्या बकवास कर रहा है राजू के बच्चे, जल्दी बोल काम क्या है, किचन का काम छोड़ कर आई हूँ यहाँ पे। बबलू तू बता। आंटी हमें आपका तूत चाहिए, तूत। वो क्या है ना आंटी, वैसे तो हमें कोई भी तूत तलेगा, जैसे आपका ढीला ढाला पुलाना तूत वो भी तलेगा, मगर आप चाहें तो आप अपनी बेटी पिंकी का नया और टाइट तूत भी हमें दे सकती हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। क्या बोला बे? अबे तोतले, एक दिन तेरी ये तोतली जुबान मार खिलवाई हमें। अब आंटी जी, इसके कहने का मतलब है कि हमें आपका तूत, मेरा मतलब है कि सूट चाहिए, कोई भी पुराना या ढीला ढाला, या फिर आपकी बेटी पिंकी का सूट भी चलेगा। ये बेसिकली सूट कहना चाह रहा था, वो सलवार सूट वाला सूट। क्या करेगा सूट का? आंटी आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें मास्क की बहुत कमी हो गई है, मार्केट में मास्क मिल ही नहीं रहे, तो हम लोगों ने एक आइडिया निकाला है। हम घर घर जाकर लोगों से उनके पुराने कपड़े मांगेंगे और फिर उन कपड़ों से मास्क बनाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया निकाला है तुमने, लेकिन मैंने तो अपने सारे पुराने कपड़े पिछले हफ्ते ही बेचकर नए बर्तन खरीद लिए। तो एक काम करो आंटी, ये जो बाहर आपने अपने पैराशूट सुखाने के लिए रख छोड़े हैं ना, यही दे दो, आपके एक पैराशूट से दो मास्क बन जाएंगे। हाँ काफी बले बले हैं आंटी के पहला तूत, बले बले मास्क बनेंगे। तूत न तई, पहला तूत ही दे दो आंटी। अभी देती हूँ पैराशूट।